की ममता का अनोखा नजारा। बीमारी के कारण एक माह पहले ही 4 वर्षीय पुत्र की मौत। कुलदेवी सपने में आकर बोली, जिंदा हो जाएगा पुत्र। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। रीवा जिले में मां की ममता का अनोखा नजारा सामने आया है। ऐसे में महीना बीतने के बाद कुलदेवी मां के सपने में आईं। सपने में कहा कि कब्र की मिट्टी से लाश में जान आ जाएगी। ऐसे में सगरा थाना अंतर्गत छेरा गांव स्थित शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना चल रही। दावा है कि भजनों के धुन से देवी मां प्रसन्न होकर दुखी मां की झोली में पुत्र डाल देंगे। भजन 18 अगस्त की सुबह को चल रही थी, वहीं 19 अगस्त को भटनारा किया गया है। सगरा थाना प्रभारी निशा खुता ने बताया कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। हां, रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत खेरा गाँव में रहने वाली ऋतु कोल के परिजन भजन और भक्ति में लीन है। उन्होंने 24 घंटे की भजन के बाद भंडारा किया है। ये एक माँ की ममता है जिसने पुत्र को खोने के बाद माँ के दर पर भक्ति करने आई है। चर्चा है कि दुखी माँ का 4 वर्षीय पुत्र अभी कोल बीमारी के चलते एक माह पूर्व संजय गांधी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने विधि और विधान के साथ सबको गाँव में दफना दिया था। कुछ दिनों बाद माँ को पुत्र के सपने आने लगे और माँ सबको देवी का आदेश समझाने लगी। माँ ऋतु कोल का दावा है कि शारदा देवी सपने में आई थी। माता ने बेटे को जिंदा होने का वरदान दिया है, उसे देवी माँ पर भरोसा है। ऐसे में वह कब्र की मिट्टी लेकर मंदिर आई है। परिजन भी मंदिर पहुँचे हैं, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की है। चर्चा है कि कब्र की मिट्टी कुछ देर बाद फूल बन गई, वही फूल अब हड्डी बन गया है। देवी माँ ने सपने में कहा कि हड्डी में जान आएगी। रिपोर्ट द खबरदार न्यूज। Thank you.